रायगढ़ जिले के बिसमकटक निर्वाचन क्षेत्र में ओडिशा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक ने कांग्रेस पार्टी के संगठन में सुधार लाने, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए विकास सेवाएं प्रदान करने, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के उद्देश्य से आगामी 2024 चुनाव की बैठक आयोजित हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार गमांग के नेतृत्व में आज विकास मिशन की ये बैठक बिसमकटक सदर महकुमा स्थानीय कल्याण मंडल में आयोजित की गयी। इस बैठक में ओडिशा कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष बंकनीधि बेहरा, एलडीएम के राष्ट्रीय समन्वयक मानस मलिक, ओबीसी के राष्ट्रीय समन्वयक राजकिशोर बारिक, ओडिशा कांग्रेस कमेटी के महासचिव दुर्गा प्रसाद पंडा, बिसमकटक निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी युवा नेता और विधायक प्रार्थी नील माधव हिक्का, युवा नेता नील माधव उलाका और अन्य लोगों ने भाग लिया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी रायगढ़ और गुलपुर निर्वाचन क्षेत्रों के 3 विधानसभा सीटों के साथ कोरापुट लोकसभा सीट भी जीतने वाली है। इसी तरह रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और ब्लॉक स्तरीय समितियों को मजबूत बनाया जा सकता है और पार्टी मजबूत स्तर पर लाया जा सकता है। ओडिशा कांग्रेस कमेटी के प्रमुख बंकनीधि बेहरा ने कहा, एलजीएम की बैठक इसलिए हुई ताकि पार्टी उन सीटों पर अधिक ध्यान देकर जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच सके जहां पार्टी पिछड़ रही है। बंकनीधि बेहरा, चेयरमैन ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट एंड कोऑर्डिनेटर एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज कार्यक्रम है नेतृत्व विकास मिशन एलडीएम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का अर्थ है कांग्रेस दल सारा भारत वर्ष रे वर्तमान यही कार्यक्रम बूथ स्तर रे किभली भाव रे संगठन मजबूत हो पार एवं बूथ रे समस्त लोक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पछुआ वर्ग संख्यालघु वर्गर लोक मानू कि भाव में अधिक रु अधिक जोड़ा जा पार ये जो मैंने अच्छा आम वर्गर कम्युनिटी लीडर्स मैंने पार्टी एक सुदृढ़ मजबूत संगठन बूथ स्तर में पंचायत स्तर में ब्लॉक स्तर में विधानसभा निर्वाचन मंडल स्तर में प्रत्येक विधानसभा मंडल की गोटे गोटे यूनिट कराई विधानसभा मंडल गोटे नूतन कमिटी हम तापर ब्लॉक तापर बूथ को जी तो आमर यही नेतृत्व विकास मिशन सारा राज्य में चली प्रदेश कांग्रेस सभापति श्रीयुक्त शरद पटनायक तत्वावधान कार्यक्रम एवं दिल्ली में आम जी नेशनल स्तर में अच्छा दायित्व श्रीमान के राजूजी नेशनल कोऑर्डिनेटर एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी विभाग एवं यही कार्यक्रम को सारा भारत बर्ष चलवा सहित ओडिशा प्रदेश में चली कार्यक्रम को सफल करने सारा राज्य में प्रत्येक विधानसभा एवं ब्लॉक स्तर में आम जिला कांग्रेस मार्फत जिला कांग्रेस अधीन समस्त नेतृमंडली एवं समस्त कार्यकर्ता एकत्रित करी ब्लॉक सभापति माने एवं युव छात्र महिला सेवा दल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तो पंचायत राज किसान कांग्रेस सब फंटाल सब डिपार्टमेंट एवं विभाग प्रकोष्ठ मान को लेकिन ये संगठन टी या आमर आशा पूर्ण विश्वास ये संगठन माध्यम आम ये जो भ्रष्टाचार सरकार मोदी सरकार बीजेपी सरकार जो चली जो संकुचित करने चाहते विधान जो संविधान को एवं मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करने को चाहते नागरिक मानकर विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग संख्यालघु मानकर स्वार्थ विरोधी सरकार संरक्षण को गोटा काटा आर्थिक विकास बाधा सृष्टि करने शिक्षा क्षेत्र में सुजोग न देवा दुईट जाक सरकार राज्य में बीजेडी सरकार केन्द्र रे मोदी सरकार जो मिलित सरकार एठी चलती गोटे टंगारे दुईट पार्श्व जहाँ करुछंती केन्द्र सरकार अनुसरण करुछंती राज्य सरकार तो दुईट जाक विरोधी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार को प्रतिहत करने लोक न्याय देवाई वर्गर लोक मान विकास दिगरे चिंता करवा कि भाव में सामूहिक विकास हो पार एवं कांग्रेस मजबूत हो पार आगामी दिन में कांग्रेस प्रार्थी किभली भाव विधानसभा हो जिला परिषद हो एवं पंचायत स्तर में हो सब क्षेत्र में जीति पारे जीति की एक दृढ़ सरकार हो पार एवं ये जो विकास दिगरे कांग्रेस समस्त को न्याय दे पार सामाजिक न्याय दे पार एवं शिक्षागत सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक क्षेत्र में मजबूत करने आईन आनी पार। रायगढ़ से नरोत्तम पाढ़ी की रिपोर्ट, बिग न्यूज 24/7।